अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे गोश्त की मटन बिरयानी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ये 2 कप तेल लिया है। अब हम इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये 1 kg मटन है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये 1 टीस्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये 250 ग्राम्स दही है, मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसे ऐड करेंगे हरी मिर्ची है, 6 से 8 हरी मिर्ची है, ये थोड़ी सी कोथमीर है, थोड़ा सा पुदीना है। अब हम प्याज को अच्छे से क्रश करके डालेंगे। जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, अब हम ये तेल डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, ये 1 टीस्पून चाट मसाला है। चाट मसाला डालने से बिरयानी का फ्लेवर और भी अच्छा होगा, टेस्टी बनेगी बिरयानी और भी। अब हम 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रखेंगे। ऐसे ही पानी में मैंने 4 लौंग, 4 इलायची, थोड़ा 1 टीस्पून शाहजीरा और थोड़ी सी कोथमीर और 3 से 4 हरी मिर्ची डाला है। अब हम इसे बॉयल करेंगे। अब पानी बॉयल्ड हो गया है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए 70 से 80% कुक हो गए हैं हमारे चावल। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना थोड़े से, प्याज ऐड करेंगे, हम इसमें किंग ऑयल ऐड करेंगे और ये ऑरेंज फूड कलर है। 5 to 10 मिनट्स दम पे रखेंगे हम। अब हमारी बिरयानी अच्छे से दम हो गई है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए गोश्त भी अच्छे से गल गया है। मैंने डिश आउट कर लिया है, कच्चे गोश्त की मटन दम बिरयानी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।